मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में गाजीपुर पहुंची मऊ पुलिस, कई जगहों पर की छापेमारी। अफशा अंसारी पर 25,000 का इनाम घोषित। पुंछ में आतंकी हमले के बाद राजौरी पुंछ हाईवे पर अलर्ट, जांच में मदद के लिए एनआईए की टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। सरहदी इलाके में चौकसी बढ़ाने के साथ ड्रोन से हो रही है निगरानी, कभी भी मौके पर पहुंच सकते हैं डीजीपी और एडीजीपी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद, 1 जवान घायल। शहीद जवानों में 4 पंजाब से और 1 जवान ओडिशा से। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था, आतंकी हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई। बीएएफएफ संगठन ने सोशल मीडिया पर पुंछ में आतंकी हमले की जिम्मेदारी का किया दावा, इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय ने बीएएफएफ को किया था बैन। जम्मू कश्मीर में खासा सक्रिय है पीएएफएफ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएएफएफ जैश मोहम्मद से जुड़ा एक दूसरा संगठन है। तेज बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने किया हमला, आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके में शुरू किया तलाशी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना, ट्वीट कर कहा पुंछ जिले में हुई त्रासदी से दुखी हूं। राहुल गांधी ने पुंछ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद। आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा का बयान, बोले पाकिस्तानी आतंकी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं। पीएम मोदी आज सिविल सेवकों को करेंगे संबोधित, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट सेवा के लिए सिविल सेवकों को करेंगे सम्मानित। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना, दिग्विजय ने आरएसएस को अपंजीकृत संस्था बताते हुए कोरोना काल में पैसों के गबन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के संगठन को बताया कमजोर, कमलनाथ ने कहा संगठन नहीं पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस से की मुलाकात, ट्वीट कर कहा सूडान, G20 और यूक्रेन पर हुई चर्चा। सूडान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले संयुक्त राष्ट्र सूडान में युद्ध विराम स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी ने कहा रमजान में नमाजियों की बढ़ी संख्या, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। 5 से 12 जून तक आयोजित होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनटीए ने दी जानकारी। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है कि इन्हें नहीं हटा पा रहे। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखकर सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, चुनाव हारने पर गहलोत को जिम्मेदार ठहराने की मांग। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में रामप्रसाद मीणा के परिवार से की मुलाकात, रामप्रसाद मीणा ने कथित तौर पर राजस्थान के एक मंत्री से परेशान होकर की थी आत्महत्या। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सचिन पायलट का बयान, बोले हर व्यक्ति की नैतिकता का अलग पैमाना होता है, ये उस व्यक्ति और मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। चंदौली में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, हादसे में 2 घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मोतिहारी में एसी प्लांट से लीक हुई अमोनिया गैस, 12 लोग अस्पताल में भर्ती, लीकेज पर काबू पाया गया। कोलंबिया में कोयला खदानों में विस्फोट, हादसे में 3 की मौत, 4 लोग अभी फंसे हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भारी तूफान, तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, यातायात हुआ बाधित। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भयंकर बवंडर दिखा, तूफान के बाद 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली बाधित। ओक्लाहोमा तूफान का टाइमलैप्स वीडियो आया सामने, वीडियो में ओक्लाहोमा के ऊपर बवंडर घूमता हुआ दिखाई दिया। इसराइल ने तुर्कमेनिस्तान में अपनी एम्बेसी खोली, इसराइल के विदेश मंत्री ने किया उद्घाटन। यूक्रेन ने स्टॉर्म ब्रिगेड में फायरिंग स्किल का सुधार किया, रूसी सेना के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए 40,000 सैनिक तैयार किए गए।
इंडोनेशिया के पापुआ में हाइब्रिड सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण देखने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का लॉन्च हुआ विफल। लॉन्च होने के कुछ ही देर में रॉकेट में आग लगी। Z News.